हर खबर पर होगी आपकी पकड़। डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप। नमस्ते भारत में इस वक्त एक बहुत बड़ी खबर आ रही है महाराष्ट्र से। महाराष्ट्र के सोलापुर से झारखंड की तरफ जा रही महाराष्ट्र परिवहन की बस यवतमाल के पास हादसे का शिकार हो गई। इस हादसे में 3 मजदूरों की मौत की खबर भी आ रही है। देखिए, यवतमाल में झारखंड के मजदूरों को सोलापुर से महाराष्ट्र झारखंड की बॉर्डर तक जाने वाली स्टेट ट्रांसपोर्ट की बस ने डंपर को टक्कर मारी। 3 मजदूरों की मौके पर मौत हो गई है, 22 लोग घायल हैं। स्टेडियम के अनुसार बस में 25 लोग ही थे और उन्हें बॉर्डर तक ले जाने की कोशिश हो रही थी। झारखंड की तरफ ये परिवहन की बस जा रही थी। महाराष्ट्र के यवतमाल के पास ये बस हादसा हुआ है, दर्दनाक बस हादसा। सुबह सुबह आपको एक खबर बता रहे हैं, 25 लोग ही होने चाहिए, स्टेट के नियम ये कहते हैं। तो क्या इस बस में क्षमता से ज्यादा लोग थे? 3 मजदूरों की मौत हो गई है। सरिता कौशिक हमारे साथ ज्यादा जानकारी के साथ फोन लाइन पर जुड़ गई है। क्या जानकारी इस पूरे मामले में अभी मिल रही है, ताजा अपडेट बता दें। जो सामने आ रही है वो बात अगर देखें तो इसमें इस ट्रक में करीब 25 मजदूर थे, ये तो सामने आ ही रहा है। ऐसे में मजदूर भर भर के ट्रक में जा रहे हैं, जो हम लगातार देखते जा रहे थे वही यहाँ पर भी हुआ है। जितनी जगह मिल सकती है उसमें मजदूर भर के जा रहे हैं, यही सच्चाई है और यही इसी भी समय में हुआ है और ये घटना घटी है। मतलब कि आप ये कह रही हैं कि क्षमता से कहीं ज्यादा थे, जो स्टेट के नियम है उससे कहीं ज्यादा बस में मजदूर भाई थे। बिल्कुल, जो मामला सामने आ रहा है वो यही है। ट्रक पूरी तरह से मजदूरों से भरा हुआ था और ये मजदूर झारखंड के तरफ निकल रहे थे और भरी हुई ट्रक का इस तरह से अपघात हुआ है। सविता, इस बात को भी साफ कीजिए कि जो मजदूर थे वो बस में थे या ट्रक में थे? आप कह रही हैं ट्रक में थे, जो खबर है वो बस की बताई जा रही है। चलिए, लगातार माफ करिए, ये मजदूर जो है ये बस में थे और ये बस में जा रहे थे और सामने जो है वो एक टिपर है जो हम देख रहे हैं और उसका एक्सीडेंट हुआ है। जी हाँ, देखिए, तो ये सरिता कौशिक हमें अपडेट दे रही थी, बस में 25 मजदूर सवार थे, 22 मजदूर घायल हैं, 3 मजदूरों की मौत हो गई है। इस बस ने डंपर में पीछे से टक्कर मारी है। थोड़ी देर में हम आपको तस्वीरें भी दिखाएंगे। महाराष्ट्र के यवतमाल के पास ये बस हादसा हुआ है। सुबह सुबह दुखद खबर हम आपको दे रहे हैं, बस ने डंपर को पीछे से टक्कर मारी, इसमें 22 मजदूर घायल हो गए। ये बस महाराष्ट्र के यवतमाल से मजदूरों को लेकर झारखंड की सीमा के पास जा रही थी। ये स्टेट रोडवेज की बस थी और इस बस में मजदूर सवार थे। ये देखिए तस्वीरें मौके से आ गई हैं। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं किस तरह से बस ने डंपर को पीछे से टक्कर मारी है। दर्दनाक हादसा है, बता दें आपको, डंपर ने बस को आगे से टक्कर मारी है। तस्वीरें अब अगर आप साफ देखें तो समझ में आता है भीषण हादसा हुआ है ये, और आगे का पूरा हिस्सा क्षतिग्रस्त हो चुका है। डंपर आया, डंपर ने आगे से सीधा टक्कर मारी। आप सामने से अगर बस को देखें तो पहचान नहीं पाएंगे कि ये बस है, और बस है तो इसका नंबर क्या है, इसके आगे की स्थिति क्या होगी। यानी कि डंपर आया सामने से, बस सीधे चल रही थी और आमने सामने की टक्कर हुई। डंपर का पीछे का हिस्सा जो है वो बस में पूरी तरीके से घुसा हुआ आपको दिखाई दे रहा है, तो बस का आगे का हिस्सा पूरी तरीके से क्षतिग्रस्त है, जो आप साफ तौर पर तस्वीरों में देख सकते हैं। यानी आगे जा रहा था डंपर और पीछे से बस इतनी तेजी से आई कि संभलने का मौका नहीं मिला। अब सही बात यह है कि ये जांच का विषय है कि किस वजह से ये पूरा हादसा हुआ। तेज रफ्तार में थे बस, ड्राइवर को झपकी लगी, क्या हुआ क्या नहीं हुआ, लेकिन बहुत ही दुखद हादसा सुबह सुबह। तो देखिए, क्रेन वहां मौके पर मौजूद है ताकि बस को खींचकर डंपर से निकाला जा सके। बेहद दुखद हादसा है। मजदूर अपने घर जाने के लिए निकले थे, बस से बॉर्डर पर पहुंचना चाहते थे, झारखंड बॉर्डर पर स्टेट हाईवे की बस थी, लेकिन रास्ते में ही हादसे का शिकार हुआ। और जो बड़ी बात निकल कर आई है वो ये है कि स्टेट के नियम कहते हैं कि 25 से ऊपर लोग बस में नहीं होने चाहिए, लेकिन बस में खचाखच मजदूर भरे हुए थे।